हेलो गाइस, इट्स मी तोहिद। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक नए सेशन के स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एप्टीट्यूड का रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके सब एग्ज़ाम के लिए, लाइक एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आपके आते ही हैं। और ये जो मेरा सीरीज़ स्टार्ट करी है, इसका पार्ट 1 है। इसका मैं सीरीज़ बाय द वे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे मैं अपलोड करता रहूँगा, आप उसको देख सकते हैं। सो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म द रेशियो 2:5 सो दैट इट इज़ इक्वल टू 5:6। यहाँ बोल रहा है 2:5 रेशियो में हम क्या ऐड करें कि वो 5:6 हो जाए। सो 2 + x / 5 + x = 5/6। मतलब 2:5 में हम दोनों में x x कर दिए, इक्वल टू 5/6 मेरा आ जाएगा। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मेरा हो गया 12 ये मेरा हो गया 12 + 6x = 25 + 5x। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6x - 5x = x और 25 - 12 = 13। सो x इक्वल टू 13 आया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 4, 10, 12 - 24 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। सो हमें 4, 10, 12 और 24 हम क्या ऐड करें कि वो चारों ही जो प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 + x / 10 + x = 12 + x / 24 + x। तो ये दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं तो 24 × 4 = मेरा आ जाता है 96 + 24x + 4x + x² = 120। 12 + 12 × 10 = 120 + 12x + 10x + x² तो ये x square कट गया। 24 ये 4x 28x, तो यहाँ आ गया अपना 96 + 28x = 120 + 12 + 10 = 22x। तो यहाँ से 28 - 22 = 6x = 120 - 96 = 24। यहाँ से मेरा x जो आ जाता है वो 6, 4 या 24, तो x जो आ जाता है मेरा 4 आ जाता है। सो आंसर डी इज करेक्ट। सो हमारा क्वेश्चन है, विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 15, 17 विल मेक द रिजल्टिंग नंबर इन प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे 6, 7, 15 और 17 जो दिया हुआ है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे वो चारों ही नंबर जो है मेरा प्रोपोर्शन हो जाए। तो हम उसको हम ऐसे रेशियो द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 6 + x / 7 + x = 15 + x / 17 + x। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम दोनों को करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 16, 16 + 17 + 6 + x + 6x + x² = 15, 17 = 105 + 15x + 7x² ये x square कैंसिल हो गया, ये 17 और ये 6 23 हो गया मेरा, और ये 15 और ये 17 ये हो गया 22। तो एग्जैक्टली मेरा x आ गया, मतलब 23 - 22 = x हो गया, और ये मच गया 105 - 102। तो 105 में 102 जाएगा तो 3 बचेगा, तो x इक्वल टू मेरा 3 आ गया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया मेरा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर नंबर,
इफ ए बी कॉमा बी सी कॉमा एक्स एंड सी स्क्वायर आर इन प्रोपोर्शन देन फाइंड द एक्स इफ नॉन ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। मतलब ये कोई भी जो डिजिट है ये जीरो नहीं है तो इसका प्रोपोर्शन क्या होगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा इसमें पूछ रहा है। तो हम इसको हम रेशियो और लिख सकते हैं लाइक ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर सेम वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ए बी इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बी इंटू सी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ बी बी कैंसिल हो गया, ये सी और यहाँ से एक सी कैंसिल हो गया, तो मेरा एक्स इक्वल टू आ गया ए बचा और सी बचा, सो एक्स इक्वल टू मेरा ए सी आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया मेरे यहाँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शन इफ द नंबर इज 12, 16 एंड 18। यहाँ पे मेरा जो है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, मतलब यहाँ का फोर्थ प्रोपोर्शन हो क्या होगा। लाइक ये फर्स्ट प्रोपोर्शन ये हो गया 12 हो गया, सेकंड हो गया 16 एंड थर्ड हो गया 18, तो मेरा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। तो लाइक हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्रोपोर्शन 12 अपॉन 16 इक्वल टू 18 अपॉन एक्स, ये मेरा फोर्थ हो गया। तो इसको अब यहाँ पे सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा आ जाएगा एक्स इक्वल टू 18 इंटू 16 डिवाइडेड अपॉन 12। तो यहाँ से हम 4 से काट देंगे, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 3 6 अपॉन 18 हो गया, यहाँ पे बचा 6 इंटू 4, तो x इक्वल टू मेरा 6 इंटू 4 इक्वल टू 24 आ गया। सो आंसर x इक्वल टू 24, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया मेरे। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज। सो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यहाँ पे मेरे को दो ही नंबर दिया हुआ 12 और 18, तो थर्ड प्रोपोर्शन को हम ऐसे निकाल सकते हैं लाइक 12 अपॉन 18, यहाँ पे जो 18 है वो दो बार रिपीट होगा तभी तो थर्ड आएगा, इसलिए ये जो है x मेरा थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे सेम प्रीवियस की जगह हम यहाँ से x निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 18 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 18 डिवाइडेड अपॉन 12। तो यहाँ से 6 से काट सकते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो मेरा x इक्वल टू हो गया 9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 दैट इज 27, तो x इक्वल टू 27 मेरा आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन आर इन 127 एंड 81, द थर्ड प्रोपोर्शन इज। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन मेरे को पूछ रहा है, तो सेम प्रीवियस के जैसे हम निकाल सकते हैं, पहला प्रोपोर्शन दिया 1 डिवाइडेड अपॉन 27 इक्वल टू, ये मेरा थर्ड हो गया डिवाइडेड अपॉन 81। ये एक्स यहाँ पे थर्ड इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पहले से तीन डिजिट दिया हुआ है, इसलिए मेरा ऊपर जो है ये थर्ड आ जाए, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो यहाँ से सेम हम ऐसे ही निकाल सकते हैं लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 81 मल्टीप्लीकेशन अपन 1 डिवाइडेड अपॉन 27 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 21 ये 3 जा 81 हो गया, तो एक्स इक्वल टू मेरा जो आ गया 3 आ गया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 7 11 एंड 14 इज। यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, सर प्रीवियस के हम जैसे बना सकते हैं लाइक 7 अपॉन 18 इक्वल टू 14 अपॉन एक्स, तो सेम यहाँ पे एक्स निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल टू 14 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 डिवाइडेड अपॉन 7, 7 टू जै 14 कट गया, तो एक्स इक्वल टू बच गया मेरा 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 दैट इज 22। सो एक्स इक्वल टू 22 आया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया मेरा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.8 एंड 0.2 इज। सो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब ये दो डिजिट दिया हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन तुमको मतलब 0.2 जो वो रिपीट होगा लाइक 0.8 डिवाइडेड अपॉन 0.2 इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड अपॉन एक्स। तो फिर यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं लाइक एक्स इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.2 डिवाइडेड अपॉन 0.8, ये 0.2 फोर टाइम्स मेरा 0.8 कट गया और ये पॉइंट हटा नीचे आ गया, मतलब x इक्वल टू 2 अपॉन 40 दैट इज 1 अपॉन
ट्वेंटी, वन अपॉन ट्वेंटी मतलब 0.05, ये मेरा आंसर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे में ये मेरा पार्ट वन था, ऐसे में पार्ट वन टू थ्री ऐसे लाता रहूँगा। और ये मैंने सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक से लिए हुए हैं, एकदम बेसिक से लिए, इसके बाद मैं डिफिकल्ट वगैरह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड टोटल करता रहूँगा। सो आपको और ये अच्छा लगा तो प्लीज़ दूसरों के साथ ये किसी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई अगर डाउट हो या कोई रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।